ओके डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। तो आज मंस्टैक की जो क्लास है वो हम जावास्क्रिप्ट को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कुछ डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से रिलेटेड कुछ असाइनमेंट्स दी थी और कुछ मैंने आपको HTML से रिलेटेड फॉर्म्स वगैरह बनाने के लिए दिए थे। तो कितने लोगों ने इस पर काम किया? वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईद की छुट्टियों में आप लोगों ने एफर्ट की है और कुछ लोगों ने सिर्फ गोश्त खाने में एफर्ट की होगी। हाँ, तो ये अब आप लोग देख लें कि आप लोग किस चीज़ में एफर्ट कर रहे हो। यानी हो जो देखें, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें आप लोग अगर कुछ काम करना चाह रहे हो तो अभी आप लोग जिम्मेदार हो अपने काम के, ठीक है। अगर काम नहीं करोगे तो आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको बार बार समझाया जाए। ये कोर्स ऐसा है कि इसको करने के बाद एक रिवार्डिंग कोर्स है, आपको इसका फ़ायदा होगा, आपकी मार्केट के अंदर एक वर्थ होगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो लिहाजा बहुत ज़्यादा सीरियस होकर इस कोर्स को लें। और मैं क्विकली रिवाइज़ कर देता हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अभी आज मेरा फोकस यही होगा क्योंकि कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि जावास्क्रिप्ट को ही थोड़ा रिवाइज़ कर दिया जाए। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट को ही रिवाइज़ कर दिया जाए आज। ओके ओके ठीक है। मैं आप लोगों की असाइनमेंट देखना चाह रहा हूँ। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे थोड़ी मायूसी हो रही है कि सिर्फ 9 असाइनमेंट्स जमा हुई हैं। असाइनमेंट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। और एडमिशन फॉर्म में माशाल्लाह 16 असाइनमेंट्स जमा हो चुकी हैं, सबमिट हो चुकी हैं। और इसी तरह असाइनमेंट नंबर 1 जो मैंने दी थी HTML CV, वो 18 असाइनमेंट्स जमा हो चुकी हैं। तो DSA के असाइनमेंट्स मैं देखना चाहूँगा। ओके, अब्दुर्रहमान, वो इज़ अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम नहीं है, अक्सा जाहिर आप हैं, मनाहिल आप हैं, अरसलान खालिद, और मिर्ज़ा अली रज़ा, ये कोई ऑनलाइन बच्चे तो नहीं है, मोहम्मद आतिफ़ मुख्तार और मोहम्मद तैयब और पीर हैदर, पीर साहब। सारी असाइनमेंट्स सही बन गई थी। चलो मैं वन बाई वन ज़रा ओपन करता हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया हो। जिन बच्चों ने काम नहीं किया वो भी ज़रा इन असाइनमेंट्स को देख के थोड़ा सा इंस्पिरेशन पकड़ लें। तो जिन बच्चों ने काम किया है उनके लिए मेरी अप्रिसिएशन मौजूद है, कीप इट अप, मज़ीद एफर्ट करें। आप लोगों के असाइनमेंट डाउनलोड करता हूँ। जी, अक्सा गिल कौन है? जी बेटा, ये एक्सपेंस ट्रैकर है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? तो ये कहाँ जा रही है? ऐड ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो ये कहाँ पे जा रही है? कंसोल में चेक कर लूँ। मैंने आपको असाइनमेंट क्या दी थी वैसे? ये तो बेटा चल ही नहीं रही, इसमें CSS फाइल इंक्लूडेड नहीं है। और ये क्या कर रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आप ज़रा ब्रीफली बताएं कि आपकी असाइनमेंट क्या है। जी अक्सर बताएं, आपकी क्या असाइनमेंट? ये जावा क्या चीज़ है? अक्सर कौन है? आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या नहीं किया आपने? ठीक नहीं किया, क्यों? लिंक नहीं किया हुआ। तो मैं कौन सी फाइल ओपन करूँ? इसमें लिंक नहीं है, स्क्रिप्ट लिंक नहीं है, तो आपने टेस्ट नहीं किया था सबमिट करने के बाद? डाउनलोड करके चेक कर लें कि आपने क्या भेजा क्या नहीं। आप लैपटॉप पे लाए हो किसी चीज़, लैपटॉप पे मुझे रन करके दिखा सकते हो आप मुझे? नहीं, मैं आपकी असाइनमेंट। अच्छा मुझे बताएं, आप लोगों ने इसमें अरेज पे काम किया था, वेरिएबल्स पे? अक्सर आपसे पूछ रहा हूँ, आपने अरेज वेरिएबल पे किस पे काम किया? हाँ, मैं आपकी जेएस फाइल देखना चाह रहा हूँ। जी ये क्या काम कर रहा है? टोटल कैलकुलेट कर रहा है, उसके बाद इसको प्रिंट कहाँ पे करवा रहा है? बेटा आपकी असाइनमेंट नहीं चल रही, मैं अभी कुछ इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये किसके असाइनमेंट है? नाम लिखा करो बच्चे अपना। अच्छा मैं कोई भी नंबर यहाँ पर एंटर करता हूँ तो क्या होगा? जी ये क्या कर रहा है? ये तो सारा कमेंट हुआ हुआ। मैं उन प्रैक्टिस को चला के देखना चाह रहा हूँ, कैसे चलाऊँ? क्योंकि आपने कमेंटिंग की हुई है, मैं इनको अनकमेंट कर दूँ? चले आप मुझे टॉपिक बता दें, आपने इसमें क्या क्या चीज़ें सीखी है? नहीं 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 ऐसे नहीं बताते होते, ये तो एक एग्जाम। सुनिए सुनिए, आपने डीएसए के हिसाब से आपने बताना है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, कि कौन कौन से एल्गोरिदम सीखे हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट सीखी है आपने, इफ एल्स स्टेटमेंट सीखी और अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो मुझे यहाँ से बता सकते हो कि ये कौन सा कोड है? मिसाल के तौर पे ये कौन सा कोड है? अच्छा ये मुझे बताओ, ये इस तरह से अगर हम लिखते हैं कंटेंट तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में? नहीं आप बताएं, ये ऑब्जेक्ट है, इसको अरे भी कह सकते हो आप, एसोसिएटिव अरे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? लेट एक्स इज इक्वल टू बिग इंट 1 2 3, यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में क्या हो रहा है? मुझे ये लग रहा है कि आपने कहीं से कोड कॉपी पेस्ट किया है और उसको चलाया नहीं, कहीं पर कॉपी पेस्ट कर दिया और उसको चलाया नहीं। अच्छा उसका तरीका ये था कि अगर ये रन किया था आपने तो इसको रनिंग मोड में ही यहाँ पर मुझे सबमिट करना था ताकि मैं भी रन कर सकता उससे। इसका तरीका होता है ना, फ्लो बना लेते, लिंक क्लिक कर लेते कि नेक्स्ट फाइल नेक्स्ट फाइल नेक्स्ट फाइल नेक्स्ट फाइल, टॉपिक के नाम लिखते, एक छोटा सा ट्यूटोरियल बना लेते। प्रेजेंट करने का तरीका होता है कोई। लेट्स से आप अगर लेट्स से आपने यहाँ पर 20 कोड्स लिखे हैं, 5-5 कोड्स की एक फाइल बना लेते, 4 फाइलें बन जानी थी। और हर फाइल को एक नाम दे देते हैं कि इसमें इफ एल्स चलाइए, इसमें इफ स्विच स्टेटमेंट चलाइए, इसमें लूप्स फॉर लूप्स चलाएँ, तो एटलीस्ट मुझे चलता हुआ कोड मिल जाना था। अभी भी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कैसे मार्किंग करवाऊँ आपकी, क्योंकि मुझे अभी तक मैं मुतमिन नहीं हुआ। बेटा आपने एग्जीक्यूशन वाला कोड भेजना होता है मुझे, अगर एग्जीक्यूशन नहीं है तो कोड फिर इस कोड का मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, इसके 0 मार्क्स लगेंगे। अब्दुल रहीम लेट आए आप। अच्छा आपने अरिथमेटिक ऑपरेशन ये इधर कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये कैसा अरिथमेटिक ऑपरेशन है? इसकी आउटपुट कहाँ पे देखूँ मैं? ये तो नहीं चल रहा। VS कोड में चला लूँ? ओके कौन सा फोल्डर आपका, ये वाला? ये तो नहीं है। यहाँ से फोल्डर का नाम बताएं। दिस वन, ये वाली, ये वाली, अच्छा जी, ये लॉजिक HTML है। ये तो सारा कमेंट हुआ हुआ है। ये तो सारा कमेंट हो गया। देखिए आपने ठीक है प्रैक्टिस की है, लेकिन टीचर कैसे चेक करेगा? जरा मेरे एंड पे बैठ के सोचें। इतना टाइम है कि मैं आपकी असाइनमेंट तसल्ली से 2 घंटे बैठ के चेक करूँ, अनकमेंट करूँ मैं? देखिए मेरी बात सुने, ये 2 घंटे की क्लास है और आपको 2 वीक्स मिले हैं। 2 घंटे में मैंने तमाम बच्चों को पढ़ाना है और आपने 2 वीक्स में सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। तो बेटा ये तो बहस कर रहे हो आप खामखा की, जो कि इलॉजिकल बहस है कि आपको टाइम नहीं मिला। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये सवाल नहीं है। आपने अच्छा काम किया, आपने बहुत सारे कोर्स चला के देखे हुए। मेरा तो ये सवाल ही नहीं कि आपने काम नहीं किया। मेरा सवाल ये है कि यू हैव डिड योर वर्क, नज़र आ रहा है आपने कोडिंग की हुई है। आई एम टीचर, आई एम हियर टू चेक द असाइनमेंट्स ऑफ एवरी पर्सन। अब मुझे अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखोगे कि मैं आपके कोड्स को पहले अनकमेंट करूं, या मुझे आसान होता कि मैं डबल क्लिक करता, मुझे आउटपुट मिलती जाती। मेरे लिए क्या आसान होना था? बेटा टीचर के लिए आसानियाँ पैदा कर लो ना काम। अब आप बदला लेने के लिए आपने मुझे कह रहे हो कि मुझे कम टाइम मिला, तो आप जो है ना 2 घंटे मेरी असाइनमेंट बैठ के ठीक करें। पहले मैं आपकी असाइनमेंट ठीक करूं, बच्चों को ना पढ़ाऊँ? मुझे ये चाहिए था कि अभी किसी बच्चे की मैं देखता हूँ, मैं भी उस तरह की निकल आए, डबल क्लिक करूँ तो मुझे आउटपुट नज़र आ जाती कि भाई ये स्विच स्टेटमेंट ऐसे चल रही है, ये आउटपुट है। ये एग्जाम्पल दीजिए, किसी ने इस तरह का बनाया? क्या नाम बेटा आपका? जी ये वाली, हाँ देखिए ना, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है। अभी मैं इसका कोड भी देख लूँ। ये अरे है 5, 10, हाँ रिमूव, ऐड रिमूव हो रहा है, देख रहे हो? ये कुछ कंडीशन एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, और फर्स्ट नंबर मैंने एंटर किया और सेकंड नंबर मैंने एंटर किया और सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ तो -0 आ गया, 4 -3, 4, और 6, 8 -4 कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है। ये मैं कह रहा हूँ डेटा टाइप। मैं डेटा टाइप की आपकी वो देखना चाहूँगा। जी आपने नंबर कुछ दे दिया अरे में, उसके बाद एक आपने एसोसिएटिव अरे बना ली। ओके आपने लूप लगाया, क्या किया? डिस्प्ले अरे। अच्छा डिस्प्ले अरे को कहाँ पे कॉल कर रहे हो? यहाँ पे कॉल कर रहे हो। और इस फंक्शन को कहाँ पे कॉल कर रहे हैं? ठीक है इनिशियलाइज डिस्प्ले को आप, ठीक है इवेंट लिस्टर की मदद से डॉक्यूमेंट इवेंट लोड के ऊपर, यानी डॉक्यूमेंट कंटेंट लोड होगा तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक हो गया बेहतरीन, तो जिससे ये डाटा रन टाइम पे लोड होगा। अच्छा उसके बाद आपने इवेंट ऑब्जेक्ट पे काम किया। ये नहीं चल रहा मैं इसकी फाइल देखना चाहूँगा। क्लिक पे क्या कर रहे हो आप? हैंडल सबमिट। ठीक करें ये नहीं चल रहा। देन आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। लूप्स लगाइए आपने। वेरी गुड, मैक्सिमम फाइंड हो गया, सम ऑफ एलिमेंट्स, शाबाश। स्ट्रिंग ऑपरेशन, ठीक है रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है ये उसने रिवर्स कर दिया। काउंट कैरेक्टर, उसने कैरेक्टर काउंट कर दिया, यानी हर कैरेक्टर का नंबर है। और चेक पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम क्या होता है? बिल्कुल सही, अगर मैंने सिर्फ आई लिखा ठीक है तो ये ट्रू होगा, इधर से पढ़े या इधर से पढ़े। मिरर, पैलिंड्रोम ये होता है कि मिरर अगर निकाल लें तो उसका ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, मिरर मिररिंग। स्विच स्टेटमेंट में क्या हो रहा है? लेट्स से सब्ट्रैक्शन है, फर्स्ट नंबर मैं लिखता हूँ 30। ये स्विच के थ्रू कैसे हो रहा है मैं ये देखना चाहूँगा। केस 1 2 3। अच्छा वो सिलेक्शन के ऊपर आप नंबर दे रहे हो, अगर 1 केस है तो ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन। क्या नाम बेटा आपका? मिनाहिल। के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, मिनाहिल ने बहुत अच्छा काम किया, एक्सीलेंट। मैं बेटा यही आपको कह रहा हूँ कि सारा काम आपने किया है उसकी प्रेजेंटेशन की तरह, दिस इज द प्रेजेंटेशन व्हाट आई नीड। ओके कोई बात नहीं, सीएसएस को भी देखते हैं, सीएसएस को देखते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा नेक्स्ट असाइनमेंट है, मिर्ज़ा अली। हु इज मिर्ज़ा अली रज़ा? आप हैं? ऑनलाइन है, ओके ओके। तो मेरे पास इस वक्त हेडफोन वगैरह नहीं है। मिर्ज़ा अली अगर आप सुन रहे हैं तो ज़रा टीम में मुझे जवाब दे दें। हु इज मिर्ज़ा अली? रेज योर हैंड। मिर्ज़ा अली आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मिर्ज़ा अली ने तो ज्वाइन भी नहीं किया हुआ। आप जानते हैं मिर्ज़ा अली को, तो वो उसने तो ज्वाइन भी नहीं किया हुआ ज्वाइन, तो उसको कहें भाई आपकी असाइनमेंट चेक हो रही है। नंबर है उसका? नहीं है तो उसकी असाइनमेंट चेक हो रही है, चलो मैं बाद में चेक करता हूँ। आतिफ कौन है? जी ये बताइएगा क्या चीज़ है ये। ठीक है, आपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगाए हैं और इनको चलाने से इनके कंसोल में लोड करवा रहे हो, क्या कर रहे हो? कंसोल में तो कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं बेटा ऐसे काम नहीं करना, बिल्कुल गलत है तरीका ये। आप थोड़ा खड़े हो जाएं। अलिशबा की, अलिशबा यहाँ पे बैठी है ऑनलाइन। ओके अच्छा बेटा आपने क्या किया, मैं अब समझ पाया हूँ कि आप क्या कर रहे हो। आपने एज इट इज़ कोडिंग को प्री के अंदर फेंक के उसके आउटपुट दिखा दिया, मतलब कोडिंग की आउटपुट नहीं दिखाई, कोडिंग दिखा दी है और इससे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। चल रहा है, कहाँ पे आउटपुट मिलेगी मुझे? ये आउटपुट, मैं इसको आउटपुट नहीं मानता। कंसोल में आ रही है ये, ले जी अभी देख रहे, पहले क्यों नहीं लोड हुई है, अब लोड हो गई है। ठीक है, करना चाहूँगा कि आप कहाँ, हाँ ये लोड करवाओ। ठीक है, नहीं लेकिन ये तो प्री है। अच्छा जावास्क्रिप्ट के थ्रू लोड करवा रहे हो आप, ओके फिर ठीक है जी। अरेज की समझ आई, अभी मैंने टेस्ट भी लेना है डीएससी का क्विक सा, ताकि मुझे पता चले कि आप इसमें से जो डीएससी में से कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा क्लियर हुए। ओके रेस भी हो गया। अच्छा रेस दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी? ये जो अभी आपने अरे दिखाई है, ये कौन सी टाइप की अरे है? कोई बच्चा बता सकता है ये कौन सी टाइप की अरे है? जी डायमेंशनल के हिसाब से नहीं पूछ रहा मैं, टाइप के, स्ट्रक्चर के हिसाब से पूछ रहा हूँ। स्ट्रक्चरली ये कौन सी टाइप की अरे बनेगी? नो आइडिया एनी वन एल्स? ये कौन सी टाइप की अरे है? स्ट्रिंग? नो, इट इज इंटीजर टाइप अरे। कौन सी अरे है ये? कैसे पता चला? अगर अरे का नाम फ्रूट्स है तो उसके अंदर आप इंटीजर दे रहे हो ना, 0, 1, 2, ये क्या है? इंटीजर्स हैं। तो ये इंटीजर्स क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? जीरो क्या डिपिक्ट, जीरो क्या जाहिर कर रहा है? इंडेक्स नंबर को जाहिर कर रहा है। इसी तरह 1 जी मैं इस वैल्यू की बात नहीं कर रहा, आप मिक्स कर रहे हो दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो। देयर आर 2 थिंग्स इन एन अरे, 1 इज़ द वैल्यू, सेकंड 1 इज़ द पोजीशन। ये 0 पोजीशन पे एप्पल पड़ा है, तो जो पोजीशन है वो 0 है, विच इज़ इंटीजर। ओके, ये फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा है यानी 1, तो 1 एक इंटीजर है। ये 2 इंडेक्स पे पड़ा है यानी 2 इसका इंडेक्स नंबर है, तो ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, दो चीज़ें होती हैं अरे के अंदर, एक इंडेक्स नंबर होता है और दूसरा उसकी वैल्यू होती है। तो इंडेक्स नंबर चूंकि इसमें इंटीजर टाइप का है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये इंटीजर टाइप की अरे है। ओके, वो जो आप कह रहे हो वो वैल्यू है जो कि स्ट्रिंग टाइप की है। एप्पल इज द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स 0। समझ आ गई? अच्छा, डाटा टाइप के साथ क्या हरकत हुई है जी, जल्दी से बताएं। डाटा टाइप क्या होती है, आपने डाटा टाइप पे क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए? कांस्टेंट का आइडिया आपको? अच्छा जी, जो बच्चे नए हैं बेटा सुन लो, मंथ्स टैग बूट कैम्प के नाम से ये यहाँ पर क्लासरूम एक एक्टिवेट कर दी गई है और ये कोड है, ठीक है। इस कोड को ज्वाइन करके इस कोड को कॉपी कर लें और जिन्होंने अभी तक इस कोड को कॉपी नहीं किया वो लिख लें, नोट कर लें अपने पास और इसके थ्रू जो है वो आप ज्वाइन कर लें। मैं ऑनलाइन जो बच्चों का उसका ग्रुप बना हुआ है उस पर मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए अब करना कि आपने जैसे इन्होंने फ़ोल्डर बनाया है जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट के नाम से, आप अपना एक फ़ोल्डर बना सकते हो और उसके अंदर आपने HTML और बाकी प्रोजेक्ट जो फाइलें हैं वो आपने प्लेस करनी है, ठीक है। मैं एक ब्लैंक बना के दिखाता हूँ, ये ब्लैंक फाइल बनाई, लेट्स से practice.html। आपको बेसिक HTML पे प्रैक्टिस शुरू करनी है, ये बेसिक। यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक एक्सटेंशन कौन सी, बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट करोगे तो वो आपको एक कोड लिख के दे देगा छोटा सा HTML का। बाद मैं एक फाइल और बना लेता हूँ practice.js के नाम से। मैंने दो फाइलें प्रैक्टिस के नाम से बना ली, practice.html और practice.js। यहाँ पे मैं कर देता हूँ practice.js को इंक्लूड कर देता हूँ। स्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या लिखूँगा, src और यहाँ पे लिख दूँगा practice.js, जिससे क्या होगा प्रैक्टिस की फाइल मेरी इसमें जावास्क्रिप्ट की फाइलें HTML के अंदर इंटीग्रेट हो गई। क्यों बेटा, आप लोगों को ये बात समझ आ गई, मुश्किल तो नहीं है। उसके बाद अब आप यहाँ पर जो भी काम करोगे, सॉरी practice.js के अंदर मैं ये सारी फाइलें बंद कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा फाइलें नहीं हुई तो बच्चों बात हो रही थी, मैंने यहाँ पर practice.html और practice.js दो फाइलें बना ली। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ स्क्रिप्ट की फाइलें लिखूँगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कोई भी फाइल लिख सकता हूँ, जैसे अरे, इन्होंने एक अरे का सिंटेक्स पूरा लिखा हुआ है, मैं एक छोटा सा सिंटेक्स लिख देता हूँ अरे का। यहाँ से मैं गो लाइव पे चला जाता और practice.html पे मैं गो लाइव पे चला जाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे आपने क्या प्रेस करना है, F12। जब F12 प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको एक अरे मिल रही है और इसको मैं हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करवा देता हूँ। ज़रा समझो, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अभी मैंने छोटा सा काम किया है। यहाँ पे मैं एक बॉडी के टैग में H1 लिख देता हूँ, हेलो जावास्क्रिप्ट रेस प्रोडक्शन आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक अरे है जिसका क्या नाम है, माई अरे, और उसको मैंने console.log में डिस्प्ले करा दिया। console.log कहाँ पे डिस्प्ले होता है, F12 प्रेस करोगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस आ रही हैं, उसके कंसोल में जाओगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के आउटपुट्स यहाँ पे नज़र आएंगे। तो ये माई अरे को मैंने पूरे का पूरा आउटपुट के तौर पे दिखा दिया। अब यहाँ पे हम कोई भी आउटपुट दिखा सकते हैं फर्दर। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी ज़ीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर दिखाऊँगा बाकी अरे हाइड हो गई है, सिर्फ जो ज़ीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा था उसकी वैल्यू आ गई है। ये बात समझ आ गई। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। व्हाट आर द अरेज, अरेज आर एक्चुअली द लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ सेम टाइप्स, ठीक है। यू भी कह सकते हो कि अरेज आर स्मॉलर डेटाबेस या डेटा स्टोरेज या मेमोरी एलोकेशन इन सीरीज, कोई भी आप नाम दे सकते हो। तो बेसिकली ये सीरीज में एक मेमोरी एलोकेशन होगी। अब आप वो सीरीज़ चेंज करते जाओ तो आपको उसके अगेंस्ट डाटा मिलता जाएगा। मुझे बताएं 2 एंड x पे क्या पड़ा है 4, तो ये देखिए यहाँ पर आउटपुट में 4 नज़र आ रहा। ये बात समझ आ गई। अच्छा, मर्न स्टैक डेवलपमेंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ फोकस की जाती है उसमें नंबर 1 के ऊपर आ जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। क्या आ जाता है? उसके बाद DSA आता है। DSA मैंडेटरी नहीं है, ये मैंने जस्ट आपके नॉलेज के लिए कहा कि आपको अरेज आनी चाहिए, आपको डाटा टाइप्स डाटा वेरिएबल्स आने चाहिए, आपको फॉर लूप का पता होना चाहिए, मतलब बेसिक डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स का आपको आइडिया होना चाहिए। बट अगर उसका आइडिया अभी भी नहीं हुआ तो सबसे पहले आपने आइडिया किसका लेना है? आपने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर रियल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग डिस्कस होती है और रिएक्ट के अंदर वर्चुअल डॉक्यूमेंट मॉडलिंग ऑब्जेक्ट मॉडलिंग यानी वर्चुअल डॉम। तो वर्चुअल डॉम की तब समझ आएगी जब आपके पास रियल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग की ऑप्शन या अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हम चूँकि अभी रियल टाइम जावास्क्रिप्ट के अंदर बैठे हुए हैं तो हमें यहाँ पर अच्छा आपका नहीं है ना नेट, तो मैं यहाँ से ऑनलाइन पूछ लेता हूँ। ऑनलाइन बच्चे इस वक्त सुन पा रहे हैं कि नहीं? टू द पॉइंट, अब हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पर ये हमारा एक HTML का पेज है। इस HTML के पेज में हम यहाँ जो कुछ भी लिखते हैं जिसको हम फ्रंट एंड कहते हैं उसको कम्युनिकेट करना होता है जावास्क्रिप्ट के साथ, और जो हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं उसको कम्युनिकेट करना होता है हमें HTML के साथ। दिस इज़ 2-वे बाइंडिंग। अब मिसाल के तौर पर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर एक डिव ऐड कर देता हूँ। डिव तो बनानी आती है ना? और यहाँ पे मैं एक क्लास दे देता हूँ, कोई रिजल्ट दे देता हूँ, ओके। और जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ, बेशक मैं वो यहाँ लिख लूँ चाहे मैं वहाँ लिख लूँ एक ही बात है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास, कोई क्लास नहीं, हमें चूंकि इसमें एक ही करना है तो हम आईडी ले लेते हैं चलो, ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। इसको हम आईडी कह देते हैं क्योंकि उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, आईडी में सिंगल एलिमेंट होता है। तो गेट एलिमेंट ID, तो कौन सी आईडी रखी हमने? रिजल्ट। जो रिजल्ट है उसके इनर HTML में हेलो JS लिख दो, ठीक है। अब ये इनर HTML यहाँ पे आएगा, ठीक है। यानी हमने कहा कि HTML में जो ID पड़ी है रिजल्ट उसके एलिमेंट के इनर HTML में क्या लिख दो? हेलो JS लिख दो। ये देखो हेलो JS ये किसने लिखा? जावास्क्रिप्ट ने लिखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग की रियल टाइम प्रैक्टिस की है। कैसे प्रैक्टिस की है कि एलिमेंट ये HTML का था, लिख हम जावास्क्रिप्ट में रहे हैं और उसको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? जावास्क्रिप्ट दे रहा है। ये बात समझ आ रही है? तो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। यहाँ तक बात समझ आ गई। पूरी रिएक्ट इसी चीज़ के ऊपर बेस करती है क्योंकि ये एक इतना सिंपलर प्रोसेस नहीं है। रिएक्ट के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। देखें आपका नेट चल भी रहेगा, मतलब कनेक्टिविटी है। तो अभी हमने जावास्क्रिप्ट से HTML में कुछ कंटेंट लिखा, वाइस वर्सा क्या हम HTML से जावास्क्रिप्ट में कोई कंटेंट लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देखें कैसे, उसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं इनपुट ले लेता हूँ, टाइप नंबर ले लेता हूँ, आईडी दे देता हूँ माई नंबर, ठीक है। और एक बटन लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, बटन को मैं कह देता हूँ कि ऑन क्लिक एक फंक्शन कॉल हो जाए। वो फंक्शन यहाँ इस पेज पे कहीं पे भी नहीं है, वो फंक्शन इस पेज पे मैं बनाने जा रहा हूँ practice.js के अंदर, practice.js के अंदर बनाने जा रहा हूँ फंक्शन। अब फंक्शन क्या चीज़ है, नंबर लिख लेता हूँ, कॉल नंबर। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या चीज़ होती है? फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज़ यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। बस मिसाल के तौर पे हम इसको कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए दे देते हैं। मैं इसको क्या दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी यहाँ से यहाँ पे आ जाइए। अब इसका नुकसान क्या हुआ, देखो मैं इसको बटन कह देता हूँ। अभी जो पहले लिखा हुआ आ रहा था हेलो जेएस, अब नहीं आ रहा, नहीं ना आ रहा, क्योंकि इसको मैंने किस में रख दिया है, फंक्शन के अंदर रख दिया। और फंक्शन के अंदर का कंटेंट उस वक्त तक नहीं चलता जब तक उसको बुलाया ना जाए, उसको कॉल ना किया जाए। तो इस फंक्शन को मैं कॉल करने जा रहा हूँ, यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। जी मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। देखो हेलो जेएस आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि HTML के अंदर से हम जावास्क्रिप्ट को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने किया। बेटा समझ आ रही है न्यू कॉमर्स? आपका बैकग्राउंड क्या है, कंप्यूटर साइंस, AI, डेटा साइंस? कौन सी यूनिवर्सिटी से? सुपीरियर से। तो बेटा ये बात समझ आई कि अभी हमने टू वे कम्युनिकेशन की। पहले हमने जावास्क्रिप्ट को कहा कि HTML में कुछ लिखे, और फिर हमने HTML में एक इवेंट क्रिएट किया। उस इवेंट का नाम था ऑन क्लिक इवेंट, जो कि एक फंक्शन को कॉल कर रहा था और बटन क्लिक। उस फंक्शन का क्या नाम था, कॉल नंबर। और जैसे वो कॉल नंबर को कॉल करता है, जावास्क्रिप्ट बदले में एक स्ट्रिंग प्लेस कर देता है रिजल्ट के डिव के अंदर। ये एडिशनल चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसको यहाँ पे एक नंबर भी मिले, जो मैं नंबर यहाँ पे लिखूँ। जैसे मैंने लिखा 5, बच्चे तवज्जो। अब मैं बटन प्रेस करूँगा तो हेलो जेएस 5 लिखा हुआ आना चाहिए। इस 5 को हम लेंगे वहाँ पर कि ये जो आईडी है इसकी एक वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पे ये देखो, मैं अगर इसमें वैल्यू लिख दूँ, आप लोग लेट आ रहे हो, मैं इसमें वैल्यू लिख देता हूँ 10। तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू लिख दी, वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी। तो हमेशा 10 आ रहा है, लेकिन आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 10 आएगा। तो इसी वैल्यू को हम पकड़ेंगे, कहाँ पर पकड़ेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम कैसे पकड़ेंगे, बहुत ही आसान। इसके बाद जिस एलिमेंट से हमने वैल्यू पकड़नी है उसकी आईडी है माई नंबर। देखो बेटा ये एक एलिमेंट है, कोई भी वेब पेज होता है उसके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं एक पेज के अंदर। तो ये एक इनपुट भी एक एलिमेंट है जिसकी आईडी क्या है, यहाँ से देख के बताओ मुझे, माई नंबर। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग है, कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर आईडी ढूंढो जिसकी आईडी क्या हो, माई नंबर। उसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको उठा के वेरिएबल में सेव कर दो। लेट माई नम इज इक्वल टू दिस वन। और अब आप क्या करो कि इसके अंदर माई नम को अपेंड कर दो, क्लियर। और वो जो कुछ भी जवाब आएगा उसको रिजल्ट वाले के इनर HTML में दिखा दो। हेलो GS 10, हेलो GS 12। देखिए मेरी बात सुने, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये डिस्कस हो चुका है कि दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डेटा टाइप। हेलो जेएस स्ट्रिंग है, हेलो जेएस क्या है स्ट्रिंग, और माय नम इस वक्त स्ट्रिंग है, इस वक्त क्या है स्ट्रिंग है। तो दो स्ट्रिंग हमेशा आपस में जमा नहीं हो सकती, दो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो सकती है यानी ज्वाइंट हो सकती है। ठीक है, अगर मैं दो वैल्यू लेता हूँ बिलफर्स, यहाँ पर ये देखें, अगर मैं दो इनपुट ले लेता हूँ माई नंबर वन माई नंबर टू, माई नंबर वन माई नंबर टू, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि माई नंबर वन में जो वैल्यू आ रही है और माई नंबर टू में जो वैल्यू आ रही है इनको प्लस कर दो, है ना। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये प्लस नहीं होने चाहिए, यहाँ पे मैं प्लस करके देखता हूँ क्यों नहीं होना चाहिए, वो भी अभी मैं बता देता हूँ। नहीं ना हुआ 10 और 13 आप इसमें प्लस नहीं हुआ, जो कि मेरा ख्याल दुरुस्त है कि नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब हम किसी एलिमेंट से वैल्यू गेट करते हैं, किसी भी HTML के एलिमेंट से वैल्यू गेट करते हैं, तो हमेशा हमेशा याद रखें वो स्ट्रिंग में मिलता है, चाहे ये 13 ही क्यों ना हो। यहाँ पे ये माई नंबर में 13 स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, माई नम वन को क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटीजर में कैसे कन्वर्ट होता है, या यहाँ पे आप लिख दें इंटीजर, स्ट्रिंग चेक करता हूँ कि टाइप कास्टिंग कैसे होती है। टाइप कास्टिंग, मुझे थोड़ा सा इसको बोल रहा है, टाइप कास्टिंग इन जेएस, ठीक है, इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन। मिसाल के तौर पे आपने नंबर पे कन्वर्ट करना है किसी भी चीज़ को, तो उसको हम देख लेते हैं नंबर, जैसे ये स्ट्रिंग है ना, तो इसको वो क्या करेगा नंबर में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग और टू स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है और ये नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो नंबर मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, ब्रैकेट बीच से बाकी ठीक था। देख लेते हैं जेएस टू इंटीजर कन्वर्जन परसेंट, या परसेंट, सिंपली आपने इसको परसेंट करना है, क्या करना है पार्स इंट। इंटीजर इज नॉट डिफाइंड, ऊपर वाली गलती है वो मिटाना चाहिए, ठीक है, या ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हुआ। इस एग्जीक्यूशन को हम सेपरेट करेंगे ताकि ये पहले प्लस वाला मसला हल हो, उसके बाद हम कॉन्केटिनेट करेंगे, राइट। या तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको शुरू में बता रहा था कि हम किसी भी एलिमेंट से जब कोई नंबर लेते हैं, चाहे वो नंबर ही क्यों ना हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट किस में मिलता है हमें, स्ट्रिंग में। उसके बाद उसको पार्स करना होता है इंटीजर में। अगर आपने उसको प्लस करना है तो हमने ये दो नंबर ले लिए, ये अब दोनों इंटीजर में कन्वर्ट हो चुके हैं, इनको हमने प्लस किया, एनओ के अंदर स्टोर हो गया, अब ये एनओ इसके साथ कॉन्केटिनेट हो रहा है, तो ये हमारा मकसद हल हो गया। तो अभी जो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ बताई है वो ये है कि आपने देखा कि हमने HTML के थ्रू जावास्क्रिप्ट के अंदर कम्युनिकेट किया और जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML के अंदर कम्युनिकेट किया। तो ये टू वे डायरेक्शन हम MERN स्टैक के अंदर, रिएक्ट के अंदर सीखेंगे, लेकिन पहले जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझें। देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जितनी ज़्यादा परफेक्शन आपकी होगी, मिसाल के तौर पर आप क्या कर सकते हो, आप एक कैलकुलेटर बना सकते हो। जैसे भी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे क्या नाम बेटा आपका, हाँ मनाहिल जी, मनाहिल ने कुछ प्रैक्टिसेस की, मिसाल के तौर पे डाटा टाइप्स की या लॉजिकल ऑपरेटर्स की, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिंटैक्स यही है, अगर आप देखें मिसाल के तौर पर इसको अगर आप देखें तो जावास्क्रिप्ट फाइल की एक्सटेंशन JS होगी, उसके अंदर कुछ भी मज़ीद कोई टैग देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने कोडिंग स्टार्ट कर दें लिखना, ठीक है, यानी वेरी सिंपल। और ये जो फाइल है practice.js, इसको सबसे एंड पे, सबसे लास्ट पे अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, HTML के अंदर इंक्लूड कर लें। बाकी अब जो मर्ज़ी प्रैक्टिस डालते जाएँ वो यहाँ पर सेटल होती जाएगी। बिलफर्ज ये मैं लूप्स की अगर बात करूं तो मनाहिल ने ये लूप्स के लिए कुछ फंक्शंस बनाए हैं, ठीक है। आपने लूप इसके अंदर कहाँ पे लिखा है, लाइक ये है वाइल लूप, ठीक है, ये वाइल लूप है। ना सिर्फ उन्होंने वाइल लूप के थ्रू आइट्रेशन की है, बल्कि उसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग के थ्रू इनर HTML के अंदर सब करके भी दिखा रही है। तो इसको हम कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कौन सी थी, loops.html। अब मिसाल के तौर पे ये देखें, इसको समझो, ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है। ये देखें, मैं इसमें 5 ऐड कर रहा हूँ। अब ये अरे के अंदर 2 5, एक 10, दो 10 बन गए, ठीक है। अब हम इसमें सर्च करेंगे, सर्च 10, तो 10 इज़ इन द अरे, यानी वो पहले बता रहा है कि 10 इस अरे में है। डिस्प्ले एलिमेंट्स, इसके तमाम एलिमेंट्स डिस्प्ले करवा दें, इनके एलिमेंट्स को सम कर दें तो 5 5 10 और 20 30, और उसमें से मैक्सिमम निकालें तो 10, है ना। अब यही कोड अगर आपने बनाना हो तो कैसे बनाओगे, थ्रू DSA। कैसे बनाओगे, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। तो मैं इनका कोड ओपन करने जा रहा हूँ ताकि हमारा मज़ीद टाइम वेस्ट ना हो। लूप था, अच्छा आप लोगों ने करना क्या है, देखें अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप नेट पे सर्च करो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, इसमें सबसे आसान ट्यूटोरियल W3 School का है। जी बेटा, हाँ बताएं बताएं, क्या नाम है, इंडियन है ये, ओके, ये रिकमेंडेड है जी। इनकी इन्होंने, मैं असल में ना ऑफिशियली इसको ओपन कर नहीं सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन आप लोग नोट कर लें, इस चैनल का नाम हेल्प लेने के लिए कहीं से भी लिया जा सकता है, KG कोडिंग बाय प्रशांत। इसके अंदर वो आप एक्सप्लोर करो, MERN स्टैक की चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, रिएक्ट भी मिल जाएगी, ये वाली दिस वन, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने कुछ भी सपोर्ट भी रखा होगा और इसके अंदर सारी प्रैक्टिस करके दे रही है। लेकिन अगर आपके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं, आप यहाँ से स्टेप बाई स्टेप भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से स्टेप बाई स्टेप यानी ये बहुत क्लैरिटी के साथ आपको सिखा देता है, जैसे जी अरे कैसे डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद अरे जो है ना वो यूज़ कैसे करते हैं, अरे को क्रिएट करने के बाद उसको हम प्रिंट कैसे करवाते हैं। ठीक है, इन्हें HTML में इन्होंने पूरे अरे को प्रिंट करवाया, कैसे करवाया। इसमें आप यानी क्लिक करके एक एक चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर ये कोड है, देखो 3-4 दिन ईद के आपने ज़ाया कर दिए, उसके बाद 3-4-5 दिन और ज़ाया कर दिए। अब हमारे पास वेंसडे को दोबारा क्लास होगी, वेंसडे को मैं रिएक्ट स्टार्ट करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो चलती रहेगी, रिएक्ट में भी चलेगी। रिएक्ट इज़ बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट, तो लिहाजा आप लोग थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाएं, जावास्क्रिप्ट मुकम्मल करके आएँ। स्पेशली ये जो टॉपिक्स यहाँ पे मैंने भी बताया है ना, ये DSA के टॉपिक्स हैं, बेसिक टॉपिक्स। इसमें अगर आप पढ़ना शुरू करें तो सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, वेरिएबल कैसे होते हैं, लेट कॉन्स्ट ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, डाटा टाइप, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद इवेंट्स, नंबर्स, उसके बाद अरेज कैसे लिखे जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आप यहाँ से प्रैक्टिस करके ईजिली दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने डेट प्रिंट करनी है, ये देखिए ये डेट है, ये आज की डेट बता रहा है। ठीक है, ये इन्होंने जो भी डेट दी है वो अगर मैं 9 कर दूंगा, 9 डेट इस तरह, ये देखें तो ये आज की बता देगा, है ना। तो ये डेट का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम किसी भी एलिमेंट जिसकी आईडी डेमो है उसके इनर HTML में दिखा सकते हैं इस डेट को। अब डेट को अपने स्टडी करना है, डेट की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेगी जी, डेट के फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं, डेट के ये फॉर्मेट्स हैं, यानी 9 तरीक़ों से आप डेट को दिखा सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, खाली लिखोगे तो क्या आउटपुट आएगी, डेट लिखोगे तो सिर्फ आपको डेट दिखाएगा, ईयर मंथ लिखोगे तो वो आपको ईयर मंथ दिखाएगा। जैसे ये देखिए, अब मैं इसको रन करता हूँ तो कुछ ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, ईयर और मंथ, हाँ उसके लिए मुझे वो देना पड़ेगा, सॉरी फॉर्मेट देना पड़ेगा। ये देखिए, ये ईयर, उस ईयर को उसने मैनिपुलेट कर दिया। ठीक है, तो अंदर हम फॉर्मेट दे सकते हैं। ठीक है, ये हम जुलाई मार्च का फॉर्मेट दे सकते हैं। ये देखिए संडे मार्च, उसको कन्वर्ट करके ला रहा है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। तो पूरी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, ज़रा टाइम निकालो। इस तरह अगर आपने इफ एल्स सीखनी है तो इफ एल्स बहुत इजी है। इफ़ कंडीशन, उसके अंदर आप इफ़ की कंडीशन डालते हो और अंदर स्टेटमेंट लिख देते हो। एक छोटी सी एग्जांपल मैं करवा देता हूँ इफ़ के लिए, उसे मैं करवा देता हूँ। ये जो प्रैक्टिस वाली फाइल है मेरी, ठीक है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि इफ़ यहाँ से मैं इफ़ लिखता हूँ, इफ़ माई नम देन 10, क्या करो, यानी इसमें लिख दो नंबर 1 इज 10। मैंने इफ कंडीशन की लगा दी। ठीक है, तो रन करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर माई नंबर 1 ग्रेटर देन 1 कर दिया, तो आपको क्या कह रहा है, ये चला भी है क्या, एल्स, उसमें एल्स में डाला था। सूरत में चल रहा था, अब नहीं चलेगा। यानी देखो अगर मैंने ये प्रेस किया फिर तो सही चल रहा है, लेकिन अगर मैं एक भी वैल्यू बढ़ाता हूँ तो ऊपर वाला चलता है। समझ आ रही है? अगर मैं 10 पे चलाता हूँ -1 10 पे तो नीचे वाला ब्लॉक चल रहा है, इसको समझें, एल्स चल रहा है, और अगर मैंने कोई कंडीशन लगा दी तो इफ़ चल रहा है। अच्छा, एक छोटी सी लॉजिक लिखने को अगर मैं आपको कहूँ तो लिख सकते हो? आप में से प्राइम नंबर्स का आइडिया है क्या होते हैं? किसको आइडिया है प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स का आइडिया किसे है? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जी बेटा जरा लाउड बोले। शाबाश। जो अपने टेबल के अलावा, अपने और एक के अलावा किसी और पे डिवाइड ना हो। फॉर एग्जांपल 2 इसका बाय डिफॉल्ट होता है, उसके बाद 3, 5, 7, 9 होगा, 11 होगा, फिर 13 और देन 17। अब अगर मुझे बताओ कि बिलफर्ज मैं एक लॉजिक लिखना चाह रहा हूँ कि मैं 2 नंबर दूँ, बिलफर्ज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30, और यहाँ पे मैं फेच प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 और 30। तो इसकी लॉजिक मैंने निकालनी है कि 10 और 30 के दरमियान कौन से प्राइम नंबर्स बनते हैं। वैसे कौन से बनते हैं? 10 के बाद 11, 13, 17, 19, 23, not 21, 29, ये 6 बन गए। ये 6 प्राइम नंबर्स मैंने प्रिंट करवाने, इसकी लॉजिक क्या बनेगी, मेरा सवाल ये है। आप लोग हेल्प कर सकते हैं, आप लोग जैसे जैसे कहोगे मैं वैसे लॉजिक लिखता जाऊँगा। आप में से कौन सा बच्चा ये लॉजिक मुझे लिखवा सकता है? आप कोशिश कर सकते हो, या अगर आप यहाँ पे आके लिख सको तो। मैं काम करता हूँ ना, मैं 2 बटन बना लेता हूँ, एक बटन ये और एक बटन ये। एक बटन को कह देता हूँ मैं फेच प्राइम नंबर या सिर्फ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं। ये जो फंक्शन बनाया हुआ है इसके अलावा एक और फंक्शन बना लेता हूँ मैं। ओके, चाहता मैं ये हूँ कि मैं प्राइम पे क्लिक करूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये दोनों नंबर मुझे मिल रहे हैं, ये दोनों नंबर मुझे मिल गए, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग में मैं उन नंबर को फिल वक्त में जमा करके प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये फंक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको मैं अभी फ़िलहाल देख लेता हूँ। तो क्लिक करने पर मैं प्राइम को कॉल कर रहा हूँ। ओके, प्राइम मेरे फंक्शन का नाम था, मैं क्लिक करने पर कॉल कर रहा हूँ, तो ये मैंने कॉल किया, ये चल गया। मैं यहाँ पर हेलो जीएस की बजाय मैं लिख देता हूँ प्राइम नंबर्स। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर ये वाले नंबर चाहिए। लेट्स से मैं यहाँ पर अगर 10 लिखूँ और यहाँ पे मैं 13 लिख दूँ, प्राइम पे क्लिक करूँ तो मुझे 40 मिलने की बजाय क्या मिले, आउटपुट मुझे क्या चाहिए यहाँ पर 10 के बाद 11, 13, 17, 19, 23, 27, सॉरी 29। ये 6 नंबर्स की मुझे यहाँ पे आउटपुट चाहिए यहाँ पे। अब मुझे बताओ, अगर तो ये 2 इनपुट्स हैं, मैं प्राइम पे क्लिक करूँ तो मुझे ये 6 नंबर मिल जाए, इसकी क्या लॉजिक लगेगी? अब चूंकि मैंने इसको प्लस नहीं करना, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। जी, कोई बच्चा बता सकता है कि हमारे पास 2 नंबर है, नंबर 1 और नंबर 2, इन नंबर के दरमियान में हमने सबसे पहले, देखो जब भी आप काम करो डीएसए के अंदर याद रखो कि जब भी आपने कोई काम करना है तो अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर देना है डिफरेंट स्टेजेस के अंदर। तो मैं सबसे पहले क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं प्रिंट ऑल द नंबर्स क्या करने जा रहा हूँ, ऑल द नंबर्स। ऑल नंबर्स क्या हैं, फॉर कहाँ से कहाँ तक, नंबर 1 से लेकर मैं इससे इसको इस तरह से कर रहा हूँ, वॉर आई इज इक्वल टू नंबर 1 यहाँ से लेकर देन नंबर 2 माई नंबर 2। जी बेटा यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे काम करने जा रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं आई प्रेस कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ इतना काम कर रहा हूँ कि मैं इसको चेक करता हूँ कि हो क्या रहा है। मैं कंसोल पे आ गया और यहाँ पे मैंने 30 कर लिया और प्राइम कर रहा हूँ, ये देखें सारे नंबर प्रिंट हो गए 10 11 12 13। ये 4 पुराना आ रहा है, पुराना आ रहा है, वो आने दो सर, कहाँ से आ रहा है, ये वाला आ रहा है, इसको मैं कम बंद कर देता हूँ। देखो बच्चे, ये मैंने 10 to 30 किया और प्राइम पे क्लिक किया तो क्या आ रहा है, सारे नंबर। अब मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, सारे नंबर चाहिए, नो, मुझे इसमें से 11 चाहिए, फिर 13 चाहिए और फिर 17 चाहिए। कैसे होगा, अब मेरा सवाल आपसे है, आप लोग इसमें कोई हेल्प कर सकते हो मेरी? जी कोई बच्चा आके यहाँ पर करना चाहे, इफ एल्स यूज करें, चले मुझे बताएं क्या लिखूं इफ में मैं। रिमाइंडर 1 आए तो ये डेफिनेशन नहीं है, प्राइम नंबर की ये डेफिनेशन नहीं है कि रिमाइंडर वन आए ये डेफिनेशन नहीं है। जो बाकी बच्चे गहरे सोचों में मुबतला हैं वो ज़रा मेरी तरफ तवज्जो कर लें थोड़ी सी। हेलो, एक्सक्यूज मी, इधर मेरी तरफ देखें। लॉजिकली हम अपनी प्रॉब्लम को कई स्टेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। पहला स्टेज हमने ये किया कि जितने भी नंबर थे 10 से 30 के दरमियान में, उसको मैंने प्रिंट करवा दिया, ये स्टेज 1 हो गई, प्रिंट ऑल द नंबर, ये स्टेज 1 हो गई। अब स्टेज 2, इसमें से हमने क्या काम करना है, सिर्फ वो नंबर लेने हैं जिसको कोई भी नंबर डिवाइड ना कर सके, बिलफर्स। चले मैं एक बात बताता हूँ, इसका पहला नंबर 11 है ना, पहला नंबर कौन सा है, 11 को कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है, अपने और एक के अलावा कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये देखने के लिए कि 11 को कोई नंबर डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता, ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामेटिकली यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा बताएं। समझ लेंगे, यहाँ पे मुझे आई में 11 मिल गया, आई की वैल्यू में क्या मिल गई, पहली इटरेशन मुझे 11 या 10 मिल गया। चलो अब आई में मुझे 10 मिल रहा है यहाँ पर। ये कैसे पता चलेगा कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये वाकई प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा, लॉजिकली और प्रोग्रामेटिकली बताएं। जी खड़े हो जाओ जरा लाउड बताएं, इसको किससे डिवाइड करना है वो बताएं, 2 से डिवाइड कर लें। इसको 2 पे डिवाइड कर लें, बिल फर्स्ट समझ लें 15 है, 10 के बाद 11 12 13 14 15 भी तो आएगा ना, तो 15 तो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब 15 प्राइम नंबर होगा, 15 प्राइम नंबर नहीं है, 15 के लिए तो कोई और कंडीशन है। जी देखा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अंदर से बाहर आया है इसका, इस बच्चे का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाहर आ चुका है। बिल्कुल सही कह रहा है, ये बैठ जाए। इस नंबर को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, फिर 3 पे करेंगे, फिर 4 पे करेंगे, 2 से लेकर हम लेस देन 10 तक डिवाइड करके देखेंगे, 2 से लेकर लेस देन 10 तक डिवाइड करके देखेंगे कि किसी पे डिवाइड तो नहीं होता। बात समझ आ रही है? तो हम एक फॉर लूप लगाने जा रहे हैं इसका, ये अब समझना आपको। फॉर लूप लगाने जा रहे हैं, क्या लगाने जा रहे हैं जी? हम ये देखना चाह रहे हैं कि मैं एक जे ले लेता हूँ, जे इज इक्वल टू 2। जे क्या ले लिया मैंने? क्योंकि मैंने 2 पे डिवाइड करना है ना पहले, लेकिन जे कहाँ तक जाए? लेस देन नंबर 1 तक जाए, माई नंबर 1 तक। अगर 10 है तो जे 10 से नीचे तक रहेगा, यानी 2 से लेकर 9 तक, और जे में एक आइटरेशन होती जाए। लेकिन ये करके क्या करें? हम एक कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पर। क्या कंडीशन चेक करेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। इफ जो भी माई नम है, उसको अगर जे पे डिवाइड करें, 0 अगर आ गया, अगर क्या आ गया? 0 आ गया, तो एक मैं फ्लैग रखने जा रहा हूँ। फ्लैग समझ लेते हैं अभी क्या चीज़ है। इस प्राइम का फ्लैग, लेट इस मैं कहता हूँ कि जो भी आई आ रहा है ना वो प्राइम नंबर फॉल्स है, यानी प्राइम नंबर नहीं है। एल्स इस प्राइम ट्रू, जी बेटा। हाँ जी, बिल्कुल हम इसको मिस कर रहे थे, इसको मिस कर रहे थे। और एक इशू ये था और एक इशू ये था। ये रिजॉल्व हो गया। देखिए इधर तवज्जो करें, अच्छे लॉजिक को समझना होना। तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि कभी भी कोई भी काम इल्हाम से नहीं होता। जैसे मैंने भी ये कोई 20 दफ़ा प्राइम नंबर का कोड लिखा हुआ है, पहली दफ़ा नहीं लिख रहा था, लेकिन अगेन जब भी आप नई से कोडिंग करते हो तो एक नया सिनेरियो बिल्ड होता है, ये हमेशा याद रखना। अब ज़रा समझो कि ये कोड कैसे होना था और मैंने कैसे क्या चीज़ में रख के की है, ताकि आपको थोड़ा सा बिजनेस लॉजिक लिखनी आ जाए। मैंने ये जान के आपको ये सोल्यूशन इधर करवाना मैं जानबूझ के चाह रहा था, और हम इस तरीके से जानबूझ के करना चाह रहे थे ताकि हम इसमें एरर्स भी करें और उनको सॉल्व भी करें। अब इस तरह कोड को मैंने रिफाइन कर दिया। देखो प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को प्रोग्रामर बनाया है, ये बात ज़हन में रखिएगा। आपको फर्स्ट टाइम प्रोग्राम नहीं करने लगे, जब आप पैदा हुए थे तब आप खुद प्रोग्राम हुए थे। कैसे? जब आपको भूख लगती थी तो क्या करते थे? जब पैदा हुए थे रोते थे, फिर आपको फीडर मिल जाता था, फिर क्या करते थे? चुप हो जाते थे, खेलने लग जाते थे। ऐसा है, यू आर प्रोग्राम टू डू सो। अल्लाह ताला ने आपको प्रोग्राम किया, आपकी मेमोरी में एक नोटिफिकेशन आता है कि आपको भूख लग रही है, वो इंस्ट्रक्शन देता है कि इसको आपकी ज़ुबान को, आपके मुंह को इंस्ट्रक्शन देता है कि रो के दिखाओ। ऐसे ही है। उसके बाद अब थोड़े बड़े हुए, अब बड़े हुए तो क्या हुआ? बहाने वगैरह करने लगे पढ़ाई के, अम्मी को धोखा देने लगे, अबू को धोखा देने लगे हैं, होता है ना ऐसा। इसका मतलब ये है कि हम रन टाइम पे प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर वहाँ पे ये काम आप कर सकते हो, अगर आप प्रोग्राम कर रहे हो चीज़ों को सुबह से शाम तक, तो ये प्रोग्राम भी कोई मुश्किल नहीं है। अब प्रोग्राम लिखने का रूल क्या है सुन लें, याद रखें। हर बच्चा प्रोग्रामर है, ये पहले जहन में बिठा लें। कि अगर आप ये कहें कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती तो ये गलत बात है, आप बचपन से प्रोग्रामिंग करते हुए आ रहे हैं। लेकिन वो किस चीज़ की प्रोग्रामिंग करते हैं? अपने ब्रेन की। आज आप किसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं? कंप्यूटर की। सिर्फ फ़र्क कितना है। अब मिसाल के तौर पे हमारे सामने एक सिनेरियो बिल्ड हुआ कि 10 से 30 के दरमियान में हमने प्राइम नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करेंगे, मुख्तलिफ फेजेस में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने कहा कि अच्छा जी 10 और 30 ये दो नंबर तो मुझे मिलने चाहिए ना। तो नंबर 1 क्या है? 10 और नंबर 2 क्या है? 30। उसके बाद मैंने स्टेप 1 ये किया कि अंदर का कोई कोड नहीं लिखा, मैंने सिर्फ एक फॉर लूप लगाया, ये सारा मैंने उड़ा दिया। और एक ये फॉर लूप क्या कर रहा है? सिंपली 10 और 30 के दरमियान में एक नंबर को आइट्रेट कर रहा है, वो नंबर आई है। वो नंबर क्या है? आई। और वो शुरू कहाँ से हो रहा है? 10 से, है ना। माई नंबर 1 इज असाइन टू आई, वो 10 से शुरू हो रहा है और 29 तक जा रहा है। ये समझ आ गई? तो इसका मतलब है अब हमारे पास जो अब लास्ट फिगर आई है इस वक्त तक के सिनेरियो के लिए वो है आई। और हर आइट्रेशन में आई की वैल्यू क्या हो रही है? एक एक बढ़ती जा रही है, 10, 11, 12, 13, 14। तो हमने पहला स्टेप मुकम्मल कर लिया। समझ आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैंने कहा कि कंसीडर ये कर लें कि हर आई प्राइम नहीं है, इसमें से जो भी मुझे आई मिलेगा वो क्या है? एक नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो इसलिए मैंने प्राइम नंबर को क्या कह दिया? एक फ्लैग सेट कर दिया कि दिस इज़ फॉल्स, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। आई को मैंने कंसीडर कर लिया, मफरूज़ा कायम कर लिया कि आई एक प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन ये मफरूज़ा कभी कभार गलत भी तो हो सकता है ना, कि वाकई आई प्राइम नंबर हर दफ़ा तो नहीं रहेगा ना कभी वो प्राइम नंबर तो बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इस चीज़ को प्रोग्राम किया, ये इस फॉर लूप में मैंने ये कहा कि एक नंबर जे लो, ठीक है, जो कि आई से लेस तक चले। मिसाल के तौर पे अगर आई मेरा 10 है तो जे कहाँ से चलेगा? 2 से लेकर 9 तक। और क्या करेगा? इस इफ में आ जाएगा। अगर आई 10 है तो जे 2 है, तो वो 2 10 को डिवाइड करेगा, 2 10 को डिवाइड करेगा, तो 2 5s are 10, रिमाइंडर में क्या आ गया? 0। तो जैसे ही रिमाइंडर में 0 आया हमने कह दिया कि नहीं भाई ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। और आई के बारे में डिसाइड हो गया, हमने लूप ब्रेक कर दी। आपने अच्छा पॉइंट आउट किया, ये मैं मिस कर रहा था। तो लूप ब्रेक हो गई। अब हमें आई को मज़ीद टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके बारे में डिसाइड हो गया। बात समझ आ रही है? अब नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या होगी? 11, क्योंकि आई इंक्रीज़ हो रहा है। अब उसने दोबारा कहा कि आई एक प्राइम नंबर नहीं है, 11 एक प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा जी चेक कर लेते हैं, वाकई नहीं है। 2 पे डिवाइड करना शुरू किया, 11 को 2 पे किया, रिमाइंडर कुछ आ गया, 1 आ गया, है ना। 2 5s are 10, रिमाइंडर क्या आया? 1। फिर 11 को 3 पे डिवाइड किया क्योंकि जे की वैल्यू यहाँ पर मुसलसल बढ़ रही है, तो जे की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं और हम आई को डिवाइड करते जा रहे हैं। तो एट दी एंड जे की वैल्यू 10 तक पहुंच गई। 11 आई जो था वो अभी तक 10 पे डिवाइड नहीं हो सका, ये इफ़ कंडीशन नहीं चल सकी, कभी भी लूप ब्रेक नहीं हुआ। एट दी एंड मैंने कह दिया यार आई जो है ना वो प्राइम नंबर है, एल्स में आ गई बात, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर लूप भी अपने इख्तिताम पे पहुंचा। तो 11 के बारे में ये डिसाइड हो गया कि ये प्राइम नंबर है और नीचे 11 इज़ अ प्राइम नंबर लिखा हुआ आ गया। और यही आइटरेशन चलती गई 12, 13, 14, 15, 16, 30 तक ये चलती गई और आउटपुट आपके सामने है। ये देखें 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 15 प्राइम है, 17, 19, 21, 23, 25। Why 25 is prime? It's amazing. ये लॉजिक में अभी भी गलती है कहीं पर। 25 प्राइम तो नहीं होना चाहिए। इसी तरह 27 भी प्राइम नहीं होना चाहिए, 15 भी प्राइम नहीं होना चाहिए। तो अब इसका मतलब है गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है वो अभी हम देख लेते हैं। दोबारा लेट कर रहा हूँ जो कि गलती है, मुझे दोबारा लेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो दोबारा रीडिक्लेयर हो गया। अच्छा, प्रोग्राम में एक बात याद रखें, जितनी गलती ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा लर्न करोगे। अब चेक करें, अब इसमें एरर क्या था? अल्लाह की तरफ से एरर आया, लेकिन ये एरर आना अच्छा था आपके लिए। आपको लेट का मतलब समझ आ गया। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था लेट। अब इसका नुकसान क्या हुआ? प्राइम नंबर की जो भी प्रीवियस वैल्यू होती वो दोबारा से रीसेट हो जाती, इसलिए मुझे रीसेट नहीं करना था, मुझे पुरानी वैल्यू को ही लेके चलना था। तो अब आप देखें दिस वन इज अ ट्रू कोड 11, 13, 17, 19, 23, 29. These numbers are prime numbers. ये बिल्कुल क्लियर हो गया कोड, इसमें गलतियाँ ही हमने साथ साथ सीखा, हमने इम्प्रूव किया। तो यही चीज़ मैं आपको कहूँगा कि कभी भी कोड्स एक ही दफ़ा वन गो में कोड सीधा नहीं होता, कोई ना कोई गलती रह जाती है, फिर आप अल्टरेट करते हो, फिर उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, एआई के बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर। एआई में मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, मिनिमा एरर को मिनिमाइज करने का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अभी हम क्या कर रहे थे, एरर को मिनिमाइज कर रहे थे, है ना। सबसे पहले एक एरर आया, फिर उसको रिजॉल्व किया, फिर दोबारा इटरेशन चलाई, फिर दूसरा एरर आया, उसको हमने रिजॉल्व किया। तो यू एट द एंड हमारे पास एक मुकम्मल कोड सामने आ चुका। तो ये छोटा सा एक हमने लॉजिक लिख ली, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम इसी को कहते हैं। अब आप जब इंटरव्यू देने जाते हो ना, जावास्क्रिप्ट या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई इंटरव्यू देने जाते हो, वो आपको इस तरह के कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना। तो ये वाली कैपेसिटी बिल्ड होनी चाहिए आपकी। अगर आप मनस्टैक का कोर्स करने जा रहे हैं या इवन के कोई भी पाइथन का कोर्स करने जा रहे हैं या किसी प्रोग्राम एज ए प्रोग्रामर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपके पास सबसे बेसिक नॉलेज क्या है, कोडिंग का सबसे बेसिक, इससे नीचे को कोई और नॉलेज नहीं होता। कोडिंग के नॉलेज से फिर आप अगली चीज़ें सीखते हो। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड यू अगेन कि मैंने आपको लास्ट टाइम डीएसए का एक लिंक भेजा था, मैंने कहा था कि वो उस डीएसए की ज़रा प्रैक्टिस कर लें। अगर फिर भी टाइम नहीं मिल रहा तो आप एक काम एटलीस्ट कर लें। तो यहाँ से जितने भी आपको कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं W3 Schools की, इनको गो थ्रू कर लें और इनको जो है ना आपने पढ़ के आना, क्लियर। अच्छा, थोड़ा सा हम आते हैं आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ। किसकी तरफ आते हैं? कितने लोगों ने ऊप के ऊपर काम किया हुआ पहले? शाबाश। चले मुझे बताएं कि क्लास क्या होती है। आप बताओ बच्चे वो, हाँ जी बताएं क्लास क्या होती है जी बेटा। पंखा चल रहा है ना, शोर हो रहा है। नोट्स, अच्छा आप उसकी बात कर रही हैं, डेटा साइंस की बात कर रही हैं। मुझे ऊप के हिसाब से बताएं क्लास क्या होती है। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, मैं मान रहा हूँ पेरेंट और चाइल्ड होती है। क्लास क्या होती है जी बेटा? देखिए क्लास की कई बातें हैं। नंबर पॉइंट 1 जी आप बताना चाह रहे हैं, अभी मैं आता हूँ आपकी तरफ जी। शाबाश, सबसे अच्छी डेफिनेशन। ये दो हैं, एक वो जो उन्होंने बताई, एक जो उन्होंने बताई। ये दो डेफिनेशन अगर आपको पता लग गई है, नंबर 1 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। नंबर 2 जो उन्होंने बताई, ये बेसिक समझेंगे फिर आपको आगे समझ आएगी। नंबर 2 एक ब्लूप्रिंट है जिससे आप उसके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने जहन में तखय्युल कर लिया कि मैं एक पेंसिल बनाऊँगा, पेन बनाऊँगा जो लिखेगा, एक पेन बनाऊंगा जिसका क्या काम है, लिखना। अब जब ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ जाता है तो आपके जहन में एक क्लास आ गया, क्लास का नाम है जी पेन। अभी बेशक आपने नाम भी नहीं रखा, उसका कोई नाम नहीं है, उसका नाम रख लो और राइटिंग इक्विपमेंट, कुछ भी नाम रख लो उसका। अब आपके जहन में एक, समझ लो दुनिया ने अभी तक पेन ईजाद नहीं किया था, आप पहले शख्स हो जिन्होंने पेन ईजाद किया। तो ये पेन क्या है, एक क्लास है, एक आइडिया है, एक थिंकिंग है, एक कॉन्सेप्ट है। अब इस क्लास के ऊपर काम शुरू होता है, काम शुरू होता है, काम शुरू होता है। इस क्लास की क्या डिफाइन होती है, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें डिफाइन होती है कि भाई ये क्लास करेगा क्या और इस क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें, इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। मिसाल के तौर पर ये करेगा क्या, ये लिखेगा, इट विल राइट, इट विल बी यूज टू राइट समथिंग, इट विल बी यूज टू सिग्नेचर, इट विल यूज टू राइट सम कंटेंट। तो ये उसका फंक्शन हो गया। तो इसको कहते हैं मेंबर फंक्शन। क्या कहते हैं? तो क्लास की एक चीज़ होगी मेंबर फंक्शन, दूसरी चीज़ क्या होगी, डाटा मेंबर्स। कि भाई ये जो पेन होगा या जो लिखने का इंस्ट्रूमेंट है इसकी अपनी क्या खासियत है? इसकी अपनी खासियत ये हो सकती है कि इसकी कोई थिकनेस होगी जिसको पकड़ना आसान हो, है ना, इसकी कोई लंबाई होगी, इसकी कोई गुलाई होगी या मोटाई होगी। तो ये उसकी क्या है, उसकी क्या है प्रॉपर्टी, जिसको हम उसको कहते हैं डाटा मेंबर। मेंबर फंक्शन का मतलब है, दो बातें मैं बता रहा हूँ, मेंबर फंक्शन का मतलब है कि वो चीज़ जो उसका काम है, और प्रॉपर्टी वो चीज़ जो उसकी खासियत है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एज अ ह्यूमन बीइंग आपसे पूछूं आपके क्या काम है और आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो आप क्या बताओगे? मेरा काम सोचना है, मेरा काम बोलना है, मेरा काम लिखना है, मेरा काम खाना पीना चलना फिरना, ये काम में आ जाता है। लेकिन आपकी पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या है, पर्सनल प्रॉपर्टीज़ क्या है? मेरी एक हाइट है, ये काम तो नहीं है ना, मेरी रंगत है, मेरे बालों का कलर है, मेरी आंखों का कलर है, मेरा वेट है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ में आ जाती है। तो जब भी हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं, अभी पेन की हम बात कर रहे हैं, तो पेन में एक तीसरी प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि वो स्याही वाला पेन होगा या नहीं होगा, मतलब उसके अंदर स्याही होगी कि नहीं होगी। अब पहले के दिनों में एक पेन आता होता था, पर वाला पेन, उसको डिप करते थे, उसके अंदर स्याही जमा नहीं होती थी और उससे लिखते थे। तो ये उसकी अपनी खासियत है। बाद में पेन में जिद्दत आई, वो पेन के अंदर इंक भरने शुरू हो गए, तो वो पेन की एक जिद्दत। अब इसका मतलब ये हो कि जब पेन ईजाद हुआ तो पेन मॉडिफाई हुआ, तो हमने कभी उसको नाम रख दिया परों वाला पेन, कभी उसका नाम रख दिया फाउंटेन पेन, कभी उसका नाम हमने रख दिया डॉलर पेन। समझ आ रही है? तो ये जो असल नाम है इनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, यानी जो रियल टाइम में वजूद में आ जाए उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स। और जो तखयलात में रहे उसे क्या कहते हैं, क्लास। तो दुनिया की जितनी भी प्रोग्रामिंग, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये किसको सपोर्ट करती हैं, क्लास स्ट्रक्चर को, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को, क्योंकि ये रियल लाइफ प्रोग्रामिंग होती हैं, ये रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर प्रोग्राम कर सकती हैं। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ देम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जिसके अंदर ये सपोर्ट मौजूद है कि वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ मैनिपुलेट कर सकती हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को एंटरटेन कर सकती हैं। अब यहाँ पे बड़ा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे एंटरटेन करते हैं। तो उसको समझने के लिए ये एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को समझो। पहले मिसाल के तौर पर ये गाड़ी है, इसको हम कार कहते हैं, है ना। समझ लें कि ये किसी कॉन्सेप्ट से वजूद में आई है। इसका मैं अभी नाम कार नहीं रख रहा, इसका मैं अभी नाम रख रहा हूँ सुजुकी मेहरान। क्या नाम रख रहा हूँ? सुजुकी मेहरान उसका नाम आ गया। चलो फिएट नाम है इसका, चले उन्होंने दिया हुआ, ठीक है, फिएट है उसका मॉडल जो भी दिया हुआ है, फिर उसका वेट है, फिर उसका कलर है। ये तो हो गई उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़, है ना। तो दूसरी जो चीज़ मैंने बताई थी उसके कुछ काम है। कौन से काम है? वो स्टार्ट भी हो सकती है, वो ड्राइव भी हो सकती है, वो ब्रेक भी लगा सकती है, वो स्टॉप भी हो सकती है ना। तो ये उसके काम है। तो इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट की दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है, एक उसका काम, दूसरा उसका उसके एट्रीब्यूट्स। अच्छा, जो उसके काम होते हैं उनको हम मेथड्स कहते हैं, और जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम उनकी प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और हर एट्रीब्यूट की कोई ना कोई वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पे कार डॉट नेम, उसकी वैल्यू क्या है, फिएट। कार डॉट मॉडल। अच्छा, अब इस टेबल के अंदर आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, वो है कार डॉट, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो ऑब्जेक्ट का नाम है, ये वो ऑब्जेक्ट का नाम है जिसके रेफरेंस से आप दो चीज़ें सेट कर रहे हैं, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस। अब ये जो डाटा मेंबर है, नेम, मॉडल, वेट, ये वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल के साथ पैरेंथेसिस नहीं लगाए जाते, बट जो फंक्शंस होते हैं उनके साथ क्या लगाए जाते हैं, पैरेंथेसिस, यानी मेथड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा मेथड की कोई बॉडी होती है और हमेशा वेरिएबल्स के कोई की वैल्यू होती है। ये बात याद रखिए। अब मैं दोबारा इस पे आता हूँ। जब भी हम फंक्शन की बात करेंगे तो मेथड्स की क्या होगी, कोई ना कोई बॉडी, कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने फंक्शन लिखा प्राइम के नाम से, ये एक मेथड है। इस मेथड की यहाँ से यहाँ तक क्या एक बॉडी है, समझ आ गई। लेकिन अगर मैं ये एक वेरिएबल लिख रहा हूँ तो ये वेरिएबल की कोई ना कोई ये वाली वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा प्रॉपर्टीज़ की कोई वैल्यू होती है और मेथड का हमेशा कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होती है। बात समझ आ रही है। अच्छा, अब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको ढालते हैं। सबसे पहले हम कैसे ढाल रहे हैं, वही पुरानी बात, डेटा वेरिएबल्स। कि जी आपने एक वेरिएबल ले लिया कार, उसको फीएट कह दिया और उसको आपने कार डॉट जो भी आपने नेम के ज़रिए से पुकारा तो आपको फीएट उसकी वैल्यू मिल गई। समझ आ रही है बात की। अब यहाँ पे कार को सिर्फ बुलाना काफ़ी है क्योंकि कार के अंदर फीएट पड़ा है तो आउटपुट में फीएट आ जाएगा। ये बात समझ आ गई। लेकिन अगर कार की बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है तो फिर ये वाला कोड काम नहीं दे पाएगा। आपको कार को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं कार को, ठीक है। अब ये देखें, ये वाला। अब हमने क्या किया, कार के एक से ज़ायद वेरिएबल्स डिफाइन करना शुरू कर दिए। तो हमने अरेज की शक्ल ले ली, यानी एसोसिएटिव टाइप की अरे। वेरिएबल कार ज़रूर लिया लेकिन उसके अंदर हम कॉमा सेपरेटेड और कॉलम सेपरेटेड हम क्या करने लगे, उसमें मल्टीपल वेरिएबल डालने लगे। तो हमारा ये आधा मसला हल हो गया। कौन सा आधा मसला, ये वाला है ना, कि भाई कार नेम, कार मॉडल, वेट और कलर। ये आधा मसला कैसे हल हुआ, आधा मसला ऐसे हल हुआ कि हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया कार का और उसके अंदर हमने रो की वैल्यू कॉमा सेपरेटेड लिखनी शुरू कर दी। अब मैं इसको आउटपुट में कैसे लिखूंगा, जब भी मैं कार डॉट टाइप लिखूंगा तो फीएट आ जाएगा और जब मैं कार डॉट मॉडल लिखूंगा तो क्या आएगा, 500। ये बात समझ आ गई। और कार कलर, कार डॉट कलर लिखूंगा तो क्या आएगा, वाइट। तो ये एक सिंपल सी ऑब्जेक्ट की समझ आ गई आपको। लेकिन अभी इसमें आधी बातें कवर हुई हैं। कौन सी, कि कार की प्रॉपर्टीज़ को हमने अभी इसमें लिखा है इस तरह के ऑब्जेक्ट के अंदर। इसमें हमने कार का फंक्शन अभी नहीं लिखा। जी बेटा, नहीं, दिस इज़ एन अरे, दिस इज़ एन एसोसिएटिव टाइप ऑफ अरे। अभी कंस्ट्रक्टर की जिक्र नहीं करना, कंफ्यूज हो जाओगे। वजह यह कि अभी हमने ना इस पूरे कोड में कहीं क्लास को लिखा है और ना ही हमने इसके ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम आते हैं रियल टाइम ऑब्जेक्ट डेफिनेशन के ऊपर। ये समझना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर ये जो लेटर है ना ऑब्जेक्ट, इसको हमें यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए, ये हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही ऑब्जेक्ट बन गया है ना जैसे हमने पहले बनाया था, है ना, बिल्कुल वैसे ही बन गया ना, मतलब तरतीब से उसको हमने लिख लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई नाम रखते हैं और उसकी डॉट करके उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते जाते हैं और उसमें कोई वैल्यू रख देते हैं। ये भी वही चीज़ है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना हो गया कि सबसे पहले हमने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लिया और उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी ऐड करते गए। समझ आ रही है। और बाकी काम वही है, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, पर्सन डॉट लास्ट नेम, पर्सन डॉट एज, तो हमें ये वैल्यू मिलनी शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ये बात समझ आ गई। अच्छा, जब ये हमारा मसला ऑब्जेक्ट से रिजॉल्व होना शुरू हो गया तो हम डाटा मेंबर, जो अभी हम ये जो डाटा मेंबर की बात कर रहे हैं, ये मसला तो हल हो गया लेकिन मेंबर फंक्शन अभी तक हल नहीं हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम क्लासेस बनाएंगे। लेकिन अभी पहले ऑब्जेक्ट को डिटेल में समझ लो, इसको ज़रा समझें। इस कोड में और पुराने कोड में क्या फ़र्क है। इस कोड और पुराने कोड में फ़र्क ये है कि हमने पहले एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया था। कैसे बनाया था, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखा और करली ब्रेसेस डाल दी तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन अब हम यहाँ पर लिटरल का यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल, यानी ये भी वही काम कर रहा है कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना रहा है पर्सन के नाम से और उस पर्सन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टी सेट कर रहा है और नीचे उसको कॉल कर रहा है। बाकी काम वही है। ये बात समझ आ गई। यानी काम वही हो रहा है, हम न्यू ऑब्जेक्ट की मदद से काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट लिटरल इस तरीके से भी काम हो सकता है और करली ब्रेसेस की मदद से भी काम हो सकता है। ये आपकी चॉइस, आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारी चीज़ें किस में ऑलरेडी मैनेज हो रही हैं, बाकी तमाम लैंग्वेजेस में भी मैनेज हो सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझें, ये वाला। यहाँ पे हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट का नाम है पर्सन और उसका एट्रीब्यूट है फर्स्ट नेम। तो हम पर्सन डॉट की बजाय हम उसको एसोसिएटिव अरे के तौर पर भी ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि आप डॉट की मदद से एक्सेस कर सकते हो और दूसरा तरीका ये कि आप इंडेक्स के नाम से एक्सेस कर सकते हो। जैसे इंडेक्स 0, 1, 2 आ रहा था, यहाँ पर की वैल्यूज़ आ रही हैं। सो दीज आर द की वैल्यूज़, फर्स्ट नेम की जॉन इट्स वैल्यू, लास्ट नेम इज़ द की डो इट्स वैल्यू। और अगर हम पर्सन डॉट फर्स्ट नेम करेंगे तो जॉन आ जाएगा, बट चूँकि इसमें हमने इस पैटर्न में लिखा है, तो हमें उसके एसोसिएटिव अरे के पैटर्न में लिखा है, इसलिए हम उसको किस तरह से लिखेंगे, इंडेक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ये एसोसिएटिव अरे को लिखने का एक और तरीका है। तो मुख्तलिफ तरीके मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये तमाम तरीके मन स्टैक में आगे चल के यूज़ होंगे, इसलिए ये तरीके याद रखने हैं आपको। अब आ जाए मेथड्स के ऊपर, क्योंकि मैंने अभी हाफ का जिक्र किया आपको कि ये जो हाफ सेगमेंट है ये हम कर चुके हैं, इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से हम पोर्ट्रे कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द मेथड्स, इसको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे इनिशियलाइज करेंगे, इसको समझना है हमने। ये देखिए, दिस वन बिलफर्ज आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया पर्सन, अब उसका एक मेथड सेट कर रहे हो। मेथड क्या सेट कर रहे हो कि कोई फंक्शन डाल रहे हो उसमें, ठीक है। मैंने शुरू में बताया था कि जब भी हम फंक्शन डाल देंगे तो वो एक मेथड बन जाएगा। तो उसको भी आप एक की के नाम से जानोगे और उसके अंदर सिर्फ क्या डालोगे, पूरे का पूरा फंक्शन और फंक्शन की बॉडी। इस वक्त ये फुल नेम में कंप्यूट हो रही हैं दो चीज़ें। कैसे कंप्यूट हो रही हैं? जब भी मैं पर्सन डॉट फुल नेम करूँगा या पर्सन के अंदर एसोसिएटिव अरे डाल के फुल नेम डालूंगा तो मुझे ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट मिलेगी। ये देखिए, जॉन डो पर्सन डॉट फुल नेम का फंक्शन, क्योंकि फुल नेम अब एक एट्रीब्यूट नहीं है, ये एक फंक्शन है। तो सिर्फ अब हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे रन करेंगे तो नहीं चलेगा, पूरा कंटेंट चलेगा वो। तो अगर हमने इसके बॉडी को एग्जीक्यूट करना है तो हम इसको एज अ फंक्शन के तौर पे कॉल करेंगे, तो जिससे उसकी बॉडी कंपाइल होके यानी एग्जीक्यूट होके रिटर्न करेगी। तो ये है मेथड वाला मसला, ये भी हल हो गया कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं और कैसे कॉल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। अच्छा, अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट होती है, ऑलमोस्ट। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ कि ऑब्जेक्ट्स, वो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मैथ इसका बिल्ट इन फंक्शन है, ये भी ऑब्जेक्ट्स हैं, फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डेट्स भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अरेज जो पीछे पढ़ के हैं वो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैप सेट्स ये सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हमने तकरीबन पढ़ लिया। अच्छा, जावास्क्रिप्ट की प्रिमिटिव्स क्या होती हैं, यानी हैज़ नो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स, ऐसी वैल्यू जिसकी कोई प्रॉपर्टीज़ या कोई वैल्यू मेथड ना हो, उसको हम प्रिमिटिव्स कहते हैं। तो 7 टाइप के प्रिमिटिव्स होते हैं जिसको हम डाटा टाइप भी कह सकते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड सिंबल, बिग इंट, ठीक है। और अगर तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू सेट हो जाए तो उसको इम्यूटेबल कहते हैं, जैसे पाई की वैल्यू है ना एक्स की 3.14। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं, इसको म्यूटेबल कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं थी तो प्रिमिटिव थी, जब हम इसे वैल्यू डाल दी तो ये म्यूटेबल हो गई। तो ये इसके कुछ की टर्म्स हैं। तो टाइम इज़ अप नाउ। अब आप लोगों ने क्या करना है, इंतहाई कह लो कि डिटेल से हमने आज जावास्क्रिप्ट की लॉजिक भी देखी बना के, जावास्क्रिप्ट के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स वगैरह को हमने देखा, असाइनमेंट्स हमने देखी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम रिएक्ट को शुरू करने जा रहे हैं, क्लास मिस नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। रिएक्ट जो कि मान स्टैक का एक इनिशियल फेज़ है। अच्छा, रिएक्ट में हम क्या चीज़ें सीखेंगे? गुड न्यूज़ है तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक CSS नहीं सीखी, HTML नहीं सीखी, ये जावास्क्रिप्ट नहीं सीखी. React is the combination of all three things, but in the simplified format. उसमें भी CSS यूज़ होती है, उसमें भी जावास्क्रिप्ट के कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, फंक्शंस वगैरह यूज़ होते हैं, बट इंतहाई सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में. लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मंगल का दिन और बुध का आधा दिन आपके पास है, आज की रात भी आपके पास है. थोड़ा सा HTML के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फिर CSS की सेलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू क्या होती है, एटलीस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए. और जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं, और उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ क्या होती हैं, और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग क्या होता है जो आज मैंने आपको पढ़ाया. और स्पेशली एक बिजनेस लॉजिक कोई सी भी आपने लिख के लानी है. अगर आप यही वाली प्राइम नंबर्स का कोड लिख के ले आओ, ठीक है, मैंने आपसे शेयर नहीं करना, मैं सिर्फ आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप लोगों ने प्राइम नंबर का कोड लिख के ना मुझे सबमिट करवाना, राइट. असाइनमेंट नंबर 4 देने जा रहा हूँ. आपकी असेसमेंट होगी, इन्हीं असाइनमेंट्स की बेस पे जो पिछले असाइनमेंट्स मिसिंग है वो करके लाएं. इसकी डेडलाइन बेटा है मंडे परसों. एक 2 बजे तक की डेडलाइन है, ठीक है. ये मुझे सबमिट लाजमी करवानी है. फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स, यानी फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2 से लेकर जी नहीं 99 में तो सारे गिन के कोई 15 प्राइम नंबर आएंगे. अब ये उससे मुख्तलिफ असाइनमेंट दी है मैंने वो वाली नहीं दी कि 2 नंबर दें उसके दरम्यान में प्राइम नंबर लिख दें. मैंने लॉजिक ही चेंज कर दी है सारी. प्राइम नंबर लिखोगे लेकिन पहले 100, यानी उनका काउंट 100 होना चाहिए. जैसे 2, 3, 5, 7 ये 4 काउंट हो गया, समझ आ रही है. तो आपने 100 प्राइम नंबर्स पूरे करके लाने. अब अपना जहन इस्तेमाल करना आपने, ठीक है. नो स्टार्टिंग फ्राम 2. 100 प्राइम नंबर्स यानी 100 तादाद होनी चाहिए उन प्राइम नंबर्स की, समझ आ गई. 200 तक नहीं, मैं कह रहा आपको 2 से लेकर 100 तक नहीं कह रहा, दोबारा सुन लें. जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये कितने प्राइम नंबर्स हो गए, 5 हो गए. तो 100 प्राइम नंबर्स प्रिंट होने चाहिए, चाहे वो 200 तक चले जाए चाहे 400 तक चले जाए. तो ये लॉजिक ही बदल गई है थोड़ी सी, तो इसका अपना जहन इस्तेमाल करके ये काम करके लाए. चले, थैंक यू सो मच.